नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कि आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं। आपको पता ही होगा, भारत सरकार ने अब यह जरूरी कर दिया है कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, नहीं तो आप न्यू बैंक अकाउंट और ITR फाइल नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं, और ये भी बताने वाला हूं कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं। तो सबसे पहले हम जाएंगे इस वेबसाइट पर, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। यहां पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ये पता करना है कि आपका आधार कार्ड लिंक है या नहीं, तो आपको सबसे पहले लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर डालना है, और फिर आपको अपना व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है। आपको बता देगा कि आपका आधार कार्ड लिंक है या नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा है, योर पैन ये नंबर है इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार कार्ड। अगर आपको अपना आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो अगर आपको लिंक करना है, तो फिर आपको क्विक लिंक्स में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालना है और वैलिडेट पर क्लिक करना है। पर आपको ज़रा कुछ नोट्स देखना ज़रूरी है। अगर आप NRI है, तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, और आप इंडिया के सिटीज़न नहीं है, या फिर आप 80 साल से ऊपर है, या फिर आप असम, मेघालय या जम्मू कश्मीर से हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। फिर आपको एक OTP आएगा, जो आपको वेरीफाई करना है। इससे आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।